डेल्ही वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज़ #1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। हम आज यहाँ जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से डॉ राजकुमार जयपाल जी, हमारे प्रवक्ता जी, हम लोगों ने यहाँ अपनी बात रखी कि जिस तरह शहर में कर्फ्यू 28 मार्च से लगा हुआ है, उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में कोई अभी पॉजिटिव नहीं है, 28 मार्च के बाद कोई पॉजिटिव भी नहीं मिला और उन लोगों को उनके घर भी वापस भेज दिया गया है, बिल्कुल स्वस्थ होकर वो घर पहुंच चुके हैं। उस वजह से काफ़ी बड़ा एरिया एक जो अफेक्टेड हो रखा है, जहाँ पूरा कर्फ्यू ग्रस्त एरिया को इन्होंने घोषित कर रखा है और वहाँ लोगों का जनजीवन बिल्कुल जो है ठप्सा पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में हमने एसपी साहब, कलेक्टर साहब को कहा कि वापस उसकी पुनः समीक्षा करें और उस क्षेत्र के लोगों को भी राहत दी जाए जो क्षेत्र अब बिल्कुल जो है नेगेटिव आ रहे हैं और वहाँ सारी जांचें भी हो चुकी हैं, कोई व्यक्ति वहाँ पॉजिटिव नहीं आ रहा है और वो लोग जो पॉजिटिव आए थे वो घर भी पहुँच चुके हैं। लगभग 50-52 दिन हमारे होने को आ गए, तो अब उन लोगों को भी हम इस चीज़ से राहत दिलाएँ, इसकी बात की और हमें आश्वासित किया है जिलाधीश महोदय ने भी, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी कि हम बहुत शीघ्र ही जो है इसकी 1-2 दिन के अंदर इसकी समीक्षा करके और पुनः जो है कर्फ्यू क्षेत्र और नॉन कर्फ्यू क्षेत्र की जो है घोषणा करेंगे। हाँ, देखिए अभी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल आया था मेरे पास में, जो कि दरगाह क्षेत्र के आसपास की जो एरियाज़ हैं जहाँ पर कि कर्फ्यू लगा हुआ है काफ़ी लंबे समय से, उस कर्फ्यू क्षेत्र को रिव्यू करने के बारे में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। तो इस बारे में हमारी कलेक्टर साहब से पहले भी बात हुई है, कलेक्टर साहब इसको रिव्यू करेंगे, हम लोग मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या किया जाना चाहिए और उसके बाद कलेक्टर साहब को निर्णय लेना है कि इसमें कितना बदलाव करना है, कर्फ्यू क्षेत्र कितना रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए। जो भी निर्धारित मापदंड है उसके आधार पर कलेक्टर साहब इस पर निर्णय लेंगे। कोई बात नहीं, थैंक यू।